हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्रेड उत्पम की रेसिपी। बहुत ही इजीली बन जाती है और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। ये मैंने ब्रेड से बनाई है, एक्चुअली ये मैंने बर्गर बन से बनाई है क्योंकि मेरे पास बर्गर बन बचा हुआ था। अगर आपके पास बर्गर बनना हो तो ब्रेड से भी सेम रेसिपी बनेगी। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो इसकी रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड उत्पम बनाने के लिए मैंने ये तो बर्गर बन लिए हैं और ये मेरे पास बच गए थे तो मैंने यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। और इन्हें मैंने कट भी किया था लेकिन ये यूज़ नहीं कर पाई मैं, तो अब मैं इनका उत्पम बनाकर इनको यूज़ कर लेती हूँ। और लेकिन अगर आप ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप दो बर्गर बन की बजाय 4 या 5 ब्रेड लें। इनके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ। और अब इन टुकड़ों को मैं डाल रही हूँ मिक्सर जार में। इसमें मैं डालूंगी दही। दही 3 से 4 चम्मच इनफ रहेगा। मैं इसमें 4 चम्मच दही डाला है, छोटे चम्मच मैंने यूज़ किए हैं। और साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। यहाँ पर करीब 1/2 कप पानी मैंने यूज़ किया है। इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है तो इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ फ्लोई सा पेस्ट मेरे पास रेडी हो गया है। इसमें मैं डालूंगी 1 कटा हुआ प्याज। बारीक प्याज मैंने काट के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी धनिया और 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके डाली है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। सॉल्ट डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट और थोड़ा सा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रेड चिली डाल रही हूँ। ये थोड़ा मोटा पिसी हुई है तो मोटी पिसी हुई होने की वजह से इसमें कलर जो है अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास मोटी कुटी हुई मिर्ची थी तो मैंने इसमें वही डाल दी। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली आप मिर्ची एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये उत्पम बनाने के लिए मैंने पैन रख दिया है गैस के ऊपर, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें बहुत ही थोड़ा मैं ऑयल डाल रही हूँ। बहुत ही कम ऑयल में ये डिश जो है वो बन जाती है। और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा पेस्ट। इसको फैला देंगे थोड़ा। और इसी तरह से 1 मिनट के लिए सिकने देंगे। इसको मैं किनारों से चेक कर लेती हूँ कि ये सिका है या नहीं सिका है। थोड़ा थोड़ा ये सिकना शुरू हो गया है लेकिन थोड़ा सा और सिकने देते हैं वरना तो ये पलटने में टूट जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तब तक मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। ये थोड़ा और सिक गया है तो अब आप देख सकते हैं कि हिलाने से हिल रहा है तो मैं इसे पलट दूंगी। बहुत सावधानी से इसको पलटना है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा टॉस करके पलटा है और इसे अब दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। मैं इसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल और डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। और इसको टॉस करके फिर से देख लेते हैं पीछे से ये सिका है या नहीं। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया। थोड़ा और सेक लेते हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ और दूसरा सेक लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालकर वापस से इसके ऊपर मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ। और इसके चारों तरफ फिर से थोड़ा थोड़ा ऑयल में डाल देती हूँ। अब इसके जो किनारे हैं वो थोड़े ब्राउन होने लगे हैं तो इसको थोड़ा सा छुड़ाना शुरू करती हूँ मैं। और अब फिर से इसको टॉस करके पलट दूंगी। बहुत ही आसानी से टॉस करते हुए बड़ी आसानी से पलट जाता है लेकिन पलटे से थोड़ी मुश्किल हो रही है।
मैं इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ ताकि ये नीचे से भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। देख लेते हैं पलट कर, अभी ये थोड़ा कच्चा है, फिर से सेक लेते हैं। फिर से पलट कर देख लेते हैं, आप देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आया है। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह मैं अपने बाकी उत्पम भी बना लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।